वेलकम एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग मालूम होगा, आज हम बात करने वाले हैं आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम के बारे में। आज मैं बताने वाला हूं कि आरसीबी किस विकेट कीपर को टारगेट करती हुई नजर आएगी। जी हां, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, आरसीबी के पास अभी फिलहाल में विकेट कीपर दिनेश कार्तिक और अनुज रावत है और मेरे हिसाब से इन दोनों को रिलीज करेगी आरसीबी। जी हाँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आरसीबी दिनेश कार्तिक और अनुज रावत को रिलीज कर दे और इनसे जो पर्स बचेगा मेरे हिसाब से उससे वो एक विकेट कीपर को टारगेट करते हुए देखेंगे और मेरे हिसाब से वो विकेट कीपर आप लोग को हेनरिक क्लासेन देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, हेनरिक क्लासेन आप लोग को आरसीबी की टीम में देखने को मिल सकते हैं। हेनरिक क्लासेन को अगर आप नहीं जानते तो आप लोग जैसे मालूम साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, अभी फिलहाल एसआरएच की टीम में है। अगर एसआरएच की टीम से उन्हें वो ट्रेड करवा लेते तो मेरे सबसे बेस्ट विकेट कीपर रहेंगे आरसीबी टीम के लिए, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा आरसीबी को सख्त से सख्त जरूरत है अपने मिडिल ऑर्डर में एक अच्छी खासी पावर हिटर की, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा आरसीबी के पास नहीं है कोई ऐसा पावर हिटर जो कि लास्ट 5-7 ओवर में गेम पलट सके। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, अगर स्टार्टिंग में देखोगे आप लोग तो आपके पास ब्राट होंगे, फाफ होंगे, रजत होंगे, मैक्सी होंगे, लेकिन अगर इन चार में से कोई भी तीन आउट हो जाते हैं तो फिर आपकी बैटिंग कोलैप्स कर जाती है। जी हाँ, हम लोगों ने पिछले सीजन में देखा होगा, चाहे वो महिपाल लोमडोर हो, चाहे वो अनुज रावत हो, चाहे वो दिनेश कार्तिक हो, कोई भी बैटिंग का दिखाया तो प्रेशर वो नहीं ले पा रहा था। आप लोगों ने देखा होगा दिनेश कार्तिक तो बैक टू बैक डक पे आउट हो रहे थे, वहीं पर अनुज रावत वो इतनी ज़्यादा हिटिंग नहीं कर पा रहे थे। तो मेरे हिसाब से हेनरिक क्लासन रहेंगे जो कि अच्छी खासी पावर बैटिंग कर सकते हैं, अच्छी खासी कंसिस्टेंट रन बना सकते हैं, तो और विकेट कीपर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से आपके बहुत सारे ऐसे स्लॉट हैं जो कंफर्म पिक होते हुए नजर आएंगे, तो आप उन्हें ट्रेड करवा सकते हो एसआरएस टीम से। मैं एसआरएस टीम से इसलिए बोला हूं कि एसआरएस टीम वो टीम है जो कि बड़े बड़े प्लेयर को रिलीज करने के लिए जानी जाती है। उन्होंने डेविड वार्नर को रिलीज़ किया है, केन विलियमसन, राशिद खान, तो मेरे हिसाब से वो हेनरिक क्लासेन को भी रिलीज़ कर सकते हैं। बस आपको उनकी मैनेजमेंट से बात करनी है, अगर वो रिलीज़ करते हैं तो ठीक, नहीं तो आप उन्हें ट्रेड में भी अपनी टीम में ला सकते हो, बेस्ट ऑप्शन रहेगा ट्रेड का। तो मेरे हिसाब से आरसीबी जरूर से हेनरिक क्लासेन को ट्रेड करवाती हुई नजर आएगी। ये अपडेट निकल के आई थी जो मैंने आप लोग को इस वीडियो बता दी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको किसी और अनदर टॉपिक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट से बता देना, मैं उस टॉपिक वीडियो कवर कर दूंगा। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।